छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जिला अधिवक्ता संघ के बारूम निर्माण कार्य को लेकर 2,55,00,000 रुपए के कार्य का किया भूमि पूजन, साथ ही गंजपारा स्थित सी मार्ट का किया उद्घाटन। दुर्ग में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अधिवक्ता संघ दुर्ग में 2,55,00,000 रुपए के बार रूम निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। इस दौरान उन्होंने ई लाइब्रेरी का भी लोकार्पण किया। गौरतलब है कि दुर्ग जिला न्यायालय में अधिवक्ताओं को बैठने के लिए 3 मंजिला भवन निर्माण कार्यों का भूमि पूजन करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा योगदान वकीलों का रहा। इस दौरान केंद्र की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज हर संस्था में दबाव बना रही है, आज सारे संस्थान केंद्र के दबाव में काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आज सभी सरकारी एजेंसियों का जितना दुरुपयोग हो रहा है उतना कभी नहीं हुआ, खास करके ईडी का दुरुपयोग केंद्र सरकार द्वारा बहुत ज्यादा किया जा रहा है। वहीं इन्होंने पीएससी फर्जीवाड़ा के सवाल पर कहा कि हमें शिकायत तो बताएं, हम जांच करने के लिए तैयार हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जब 2014 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि बहुचर्चित झीरम कांड की जांच 15 दिन में कर देंगे, लेकिन आज तक जांच नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, ये सिर्फ अपने मकसद के लिए काम करते हैं, देश हित के लिए नहीं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने गंजपारा स्थित सी मार्ट का लोकार्पण भी किया। इस दौरान उपस्थित शहर के विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग के सी मार्ट के पहले ग्राहक बने। दरअसल दुर्ग में उत्पादित बेहतरीन और अनूठी सामग्रियों के एक ही स्थान पर विक्रय की उपलब्धता के लिए राज्य सरकार द्वारा जिलों में सी मार्ट की शुरुआत की गई है। दुर्ग न्यायालय में बार रूम के लिए और ई लाइब्रेरी के लिए 2,55,00,000 रुपए के आज दुर्ग को सौगात मिली है। बहुत दिनों से हमारे बार एसोसिएशन के सारे पदाधिकारी मांग कर रहे हैं, आज वो पूरा हुआ, भूमि पूजन भी हुआ, लोकार्पण हुआ। शिकायत क्या है ये तो बताएं, हम जांच करने के तैयार हैं। हाई कोर्ट क्या डायरेक्शन दे रहे हैं वो तो बताएं, हम वो भी काम करने के तैयार हैं। लेकिन भाई प्रधानमंत्री जी 2014 में आए थे झीरम घाटी, 15 दिन में पूरा जांच हो जाएगा, आज तक क्या हुआ? हम जांच के मांगते हैं वो देते भी नहीं है, ये स्थिति है। वो क्या प्रधानमंत्री जुमलेबाजी करेंगे, यहाँ कहते हैं धान मैं खरीदता हूँ। अब इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है, सफ़ेद झूठ। अब प्रधानमंत्री झूठा बोलें अच्छा लगता भी नहीं, लेकिन झूठ बोले हैं तो लोगों को बताना भी पड़ेगा कि झूठ बोल रहे हैं। 5 साल से हम धान भी खरीद रहे हैं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पैसा भी दे रहे हैं, उत्पादन भी बढ़ा, खरीदी भी बढ़ा, 20 क्विंटल भी खरीदेंगे। ये बिहार सरकार ने केंद्र सरकार के गाल में तमाचा मारा है कि जब बिहार में जाति जनगणना हो सकता है तो देश में क्यों नहीं हो सकता, छत्तीसगढ़ में होगी। हम लोग तो हेडकाउंट तो कराए हैं, आवश्यकता पड़ी तो वो भी करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार से लगातार जनगणना कराने की जिम्मेदारी किसकी है, केंद्र सरकार की, क्यों नहीं करा रहे? 2021 से आज 2023 हो गया, हम छत्तीसगढ़ है हेड काउंट करा लिया, बिहार है जाति जनगणना करा लिया, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं करा रही? अपने मकसद के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम नहीं करते। मैं पाटन में बहुत पैदल भी घुमा हूँ, पाटन मेरा घर भी है, मेरे क्षेत्र में मैं वहाँ का मतदाता हूँ, पाटन भी मतदाता रहा हूँ शुरू से लेकर अभी तक, और वहाँ पैदल पैदल पता नहीं कितने बार घुमा हूँ। तो वो ये कह रहे थे दूसरे क्षेत्र जा रहे हैं, तो वो भी भाजपा में जाके झूठ बोलना सीख गया, अफवाह फैलाना सीख गया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।